दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और न्यू स्टाइल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल में, जो कि दोस्तों आज का वीडियो होली स्पेशल होने वाला है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बहुत ही कमाल की वीडियो क्रिएट किया था, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही कमाल के ओल्ड स्कूल सॉन्ग को ऊपर उठाया है और इसमें जो हमने इफेक्ट वगैरह क्रिएट किया है बहुत ही कमाल का ओपी लेवल का होने वाला है। दोस्तों तो आपसे लोग रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए इफेक्ट के लिए और नए नए वीडियो ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए तो सबसे पहले हम प्रीव्यू देखेंगे और उससे पहले हम आप लोग को बता दें इसमें जितने मेटल यूज होंगे सब आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आप जाकर सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसे इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद उसका जो प्रोसेस है सब आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये प्रीव्यू स्टेटस, जो कि दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग पर क्रिएट किया गया, तो आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आप भी अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगा करके इस प्रकार के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इसी स्टेप पे बताने वाला हूं। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। एंड दोस्तों चैनल पर नया सब्सक्राइब कॉल पर जरूर से कर लीजिएगा। इसको बनाने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग होने वाला है, कैसे कैसे क्या करना है, सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए हमको चैनल होगा मोबाइल की स्क्रीन पर, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। दोस्तों आज की वीडियो में जो आपने प्रीव्यू देखा, दोस्तों इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले समझ जाएगा बहुत ही आसानी से। एंड दोस्तों इसमें जितने मेटल यूज होंगे, जैसे इसका जितने भी इफेक्ट यूज होने वाला है सब आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट, तो सब आपको सबसे पहले जाकर डाउनलोड करिए, इसमें इंपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों इंपोर्ट करने के बाद आपका जो बीट मार्क है इसको इजीली ओपन कर देना है। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इससे पहले हम आप लोग को बता दें, आपको जिस भी फोटो पे आप बनाना चाहते हैं उस गैलरी में आप फोटो को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों फोटो ओपन करने के बाद आप जिस भी फोटो पे बनाना चाहते हैं आप उस फोटो को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी पिकार्ड से। इसको आपको अपने शेयर करना है और यहाँ पर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको बहुत सारे साइज देखने को मिल जाएंगे, तो सारे साइज में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको स्टोरी साइज को सिलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से और सही पे टिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपका जो अलाइट मोशन है इसको ओपन कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से कम आपको 10 से 15 फोटो को करना होगा, ठीक है। एंड दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक लेयर दिखाई दे रहा है कुछ प्रकार से बना हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करके आप जो फोटो अभी आप कन्वर्ट किए थे वो फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये फोटो यहाँ पर ले लेते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रकार के बैकग्राउंड में अटैच हो जाएगा, तो ये आपको किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करके स्टाइल आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड प्लस पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से ऐड कर देंगे। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करके कलर पे क्लिक करके स्टाइल आइकन पे क्लिक करके सेकंड जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज होना चाहिए वो स्टोरी साइज होना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वैसे मान लीजिए मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको इसी प्रकार से इसके बीच में आपको ये जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के जहाँ मार्क होंगे इस प्रकार से आपको अटैच कर लेना होगा। फिर दोस्तों आपको आगे जाना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का ये एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए आपको अपना जो क्रोम है जो गैलरी इसको ओपन कर लेना है। आप जिस भी फोटो पर आप बनना चाहते हैं उसको आपको बैक कर लीजिएगा एंड यहाँ पर इस प्रकार से डोंट सेव करके बैक करना है और यहाँ पर आपका जो फोटो का साइज होना चाहिए क्रॉप पे क्लिक करना है और क्रॉप पे क्लिक करके इस प्रकार सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्क्वायर साइज सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार सेलेक्ट करके कम से कम 4 से 5 फोटो को आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना होगा। फिर दोस्तों इसको ओपन करना है, आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो ऊपर में फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का मार्क है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो कलर फिल दिखाई दे रहा है स्टाइल आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। तो आपको इस प्रकार से फोटो को सेलेक्ट करके इसको ऐड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के आपको एनिमेशन आपको दिखाई देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। आपका जो एनिमेशन है बहुत ही कमाल का लग रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से डबल तरीके से आपको ग्रुप हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस ग्रुप पे क्लिक करना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो ब्लू का मार्क इस पर क्लिक इसको सेलेक्ट करना है कुछ प्रकार से, इसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको बैक करके आपको एक और नीचे ग्रुप देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो इस पर क्लिक करना है, ग्रुप पर क्लिक करना है, ब्लू का मार्क पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है।
दोस्तों आपको बैक करके कुछ प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर के मार्क दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4.5 साइज, तो यानी दोस्तों जो है पोर्ट्रेट साइज में होगा। तो यहाँ पर आप जो भी फोटो पे आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिएगा और क्रॉप पर क्लिक करना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से देख रहे हैं जाएगा पोर्ट्रेट साइज, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से सही पर टिक करना है, डाउनलोड बटन पर क्लिक इसको सेव कर लेना है। एंड दोस्तों आपको इसको क्लिक करके ओपन कर देना है। अब यहाँ पर कलर फ्री पर क्लिक करना है, स्टोर आइकन पर क्लिक कर देना है। अभी आपने जो फोटो पोर्ट्रेट साइज में कन्वर्ट किया था उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, कलर पे इस पर एडिट सेप पर क्लिक करना है और इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। तब आप देखते हैं उस प्रकार से आपका ये एडजस्टमेंट हो गया है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है, यहाँ पर आपको ये जो ब्लू करके मार्क दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करके आपने जो अभी पोर्ट्रेट साइज में जो स्टोरेज साइज में आपने कन्वर्ट किया था फोटो को कुछ प्रकार से, आपको इसको सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक इसको ऐड कर देना है। तो इसके जो बैकग्राउंड में आपका जो फोटो है इस प्रकार से लग जाएगा। फिर आपको नीचे आना, ऊपर में जाना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो छोटा वाला बिट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करके कलर पे क्लिक करके इसको अटैच कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ये अटैच हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो ये आपको डॉट और दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको लिखा हुआ ऐड एरोप्लेन वीडियो क्लिप, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर उसके ऊपर डाउनलोड कर लीजिए एंड प्लस पे क्लिक करते हैं, मीडिया पर जाते हैं और डाउनलोड बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एंड उसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, आपको इतना बड़ा भी देखने को मिल सकता है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए कुछ प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देते हैं। फिर आपको इस पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करना है, एड इफेक्ट क्लिक करना है, यहां पर आपको सर्च कर लेना है कुछ इस प्रकार से क्रोमा की, इस प्रकार से क्रोमा की सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टैंड पिली क्लिक करके यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा, इसको आप अच्छे से सबसे पहले इरेज कर लीजिएगा दोस्तों। ये कुछ प्रकार से आपका अच्छे से इरेज हो जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो देख सकते हैं कुछ प्रकार से रिमूव हो चुका है। अभी आपका थोड़ा सा नीचे बाकी है, तो आप किस पर क्लिक करना है, क्रोमा पर क्लिक, इसको आपको पूरा लास्ट तक लेके जाना आगे तक, तो ये पूरा आपका ये रिमूव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड आपको बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट पर जाना है और एड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पर टीस लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से चार या पाँच भाग में बढ़ जाएगा, तो इसको आप पहले सबसे पहले जूम कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार से। ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप जूम कर लीजिएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और इसमें इसके अंदर आपको क्या करना है, इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो ग्लो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्लो पर क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर जो आपका ये वीडियो क्लिप है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कमाल का लग रहा है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो इस प्रकार के एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको स्टोरेज साइज में आपका जो फोटो रहेगा उस फोटो को यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो आप कोई फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी फोटो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो फोटो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ करूँगा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्टोरेज साइज में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टोरेज साइज यूज़ कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना, यहाँ पर आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, जो कि जो अपने स्क्वायर से जो फोटो करने के था वो फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ पर जो फोटो आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, थिएटर पे क्लिक इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एंड बच्चे भाग को इस प्रकार से कट कर लेते हैं। अब इस पर कुछ इफेक्ट का प्रयोग करना है, तो बैक करके सेक इफेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर आपको जो पहला इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, और आपको बीट मार्क को ओपन कर देना है एंड स्क्रॉल करके आपको आगे जाना। दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से इस इफेक्ट के बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है, इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये इफेक्ट जो है यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक लगेगा और जो लास्ट वाला छोटा वाला बीट दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपका अटैच होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जो फोटो अटैच किया कुछ इस प्रकार से ये अटैच हो गया। अब यहाँ पर बचे भाग को हम इस प्रकार से कट कर देते हैं। ठीक है, एंड इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर दिए। अब जो लास्ट वाला बीट बचा हुआ है इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड फोटो पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। अब इस पर आपको क्या करना है, इफेक्ट ऐड करना है, तो बैक करके सेक इफेक्ट में आना और यहाँ पर लास्ट में जो आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपका जो बीट मार्क इजिली इसको ओपन कर देना है। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके आपको लास्ट में जाना है, जो आपका फोटो भी दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इसी फेट को यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, जो कि कुछ प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या करना है, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, आपको अपने गैलरी में सेव करना है, तो सेटिंग बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान से आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।